हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आर्या आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोगों का एक बहुत ही चर्चित एक न्यूज़ देखने को मिला है, वायरल मेमेज चल रहा है। एक लड़का एक लड़के से ही शादी कर लिया है, दोनों की उम्र महज 15-16 के करीब करीब होगी। आप सभी लोग पूरा वीडियो देखें बिना स्किप किए और आज पर्दाफाश करते हैं इन दोनों का। दोस्तों, ये जो न्यूज़ रिपोर्टर का जो काम कर रहे हैं, ये सारे लोग एक तो सबसे पहली बात कि समाज में इतनी गंदगी फैला चुके हैं, कोनो देवरे पे राबू की बकरे पे ऐसा कुछ कुछ करके करके, मतलब बहुत ही वाहियात वाहियात सा शब्द का प्रयोग कर करके ऐसे ऐसे माहौल को ख़राब कर रहे हैं। सो दोस्तों, ये नियम जो कानून जो बनाए जा रहे हैं, इसका तौहीन करने वाले भी हमारे समाज के कुछ लोग हैं। एजुकेटेड तो नहीं कह सकते, क्योंकि एजुकेशन यदि रहता तो ये सारे लोग ऐसे नहीं करते। मैं सिर्फ इसलिए ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ताकि मैं आप सभी लोगों को बता सकूँ कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं देश में, वो सारी चीज़ें बहुत गलत हैं। हालांकि एक ही मुद्दा नहीं है इस पे बात करने का, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत किया जा सकता है, और ये सारे मुद्दों को भी हम आगे अपनी वीडियो में लेकर आएंगे। आप सभी लोग ऐसे ही हमारे साथ वीडियो में बने रहें। सबसे पहले बात करते हैं इस फोटो से। इस फोटो में जो बच्चा दिख रहा है, हमारे देश हमारे संविधान में हालांकि जो भी चीज़ें नियम हो कि आप अपने इच्छा अनुसार आप किसी से भी शादी कर सकते हो, तो फिर भी एक एज लिमिट है। प्लस में एक नियम कानून को समाज को दायरे में रखते हुए भी कोई भी कदम उठाना है। हालांकि रिपोर्टर को ऐसा करना चाहिए ताकि कि कुछ समाज को अच्छा सूचना मिल सके, जबकि यही सारे लोग ही जो कि मतलब ऐसे ऐसे कदम उठवा रहे हैं और इस पे रील्स बना रहे हैं। हालांकि इन लोगों को पहले तो दौड़ा दौड़ा कर मारना चाहिए, सारा आशिकी उतर जाएगा। दूसरी बात कि 18+ होने के बाद ही आप किसी से शादी कर सकते हो, ये हमारा संविधान या फिर हमारा जो भी नियम कानून कहता है वो सारी चीज़ें कहता है। इस जो भी वीडियो आप देख रहे हो, इस फोटो में जो देख रहे हो, ठीक है, इसमें ये जो लड़का है आई थिंक ये महज 14 साल से कम ही का होगा, जिसको प्रेम हो जा रहा है। आजकल के बच्चों को बहुत जल्दी प्रेम हो जा रहा है, पता नहीं कैसे। हालांकि इन सभी को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए सरकार को कदम उठाना चाहिए, इनको लपड़ियाना चाहिए एकदम बढ़िया तरह से। जब भी इनको दो चार चप्पल दो चार जूते गिरेंगे ना, सारी आस की खोपड़िया से उतर जाएगी। तो इन सभी के लिए मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि ये सारे के सारे जितने भी बंदे हैं सब ऐसा जो कर रहे हैं, इनको पहले लपड़ियाओ। रिपोर्टर हो आप लोग, रिपोर्टिंग अच्छा करो। आप लोगों से जनता को बहुत ज़्यादा उम्मीद रहती है, और ख़ास तौर पे आप जो ग्राउंड लेवल से जो आप लोग न्यूज़ उठाते हो, हालांकि ये कोई भी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल नहीं उठा सकते हैं, आप लोगों का भी दायित्व तो बनता है कि आप लोग अच्छी खबरें दिखाएं। ऐसे वाहियात लोगों को पहले लपड़ी आना चाहिए बढ़िया तरह से, उसके बाद से बात करनी चाहिए। चाहे चाहे यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के पास फॉरवर्ड करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। चाहे मिलते हैं अगले वीडियो में।